हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, स्टेट वेदर विद रीज़न, स्टेट विद रीज़न वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। तो हमें ये बताना है कि जो आपको फंक्शंस दिए गए हैं क्या इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर है तो क्यों करता है। तो देखो हमने आपको बताया था इसकी इंट्रोडक्शन में कि जो किसी भी फंक्शन का इनवर्स होने के लिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स होने के लिए तो मेन हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन हमारा 1-1 और ओन 2 होना चाहिए। ठीक है, कोई किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, अगर वो फंक्शन हमारा 1-1 और ओन 2 हो। तो 1-1 के लिए क्या होता है कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। और ओन टू के लिए क्या होता है कि जो हमारा कोडोमेन है उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यानी कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज होनी ही चाहिए, उसको हम ओन टू कहते हैं। तो देखो इसके अंदर चेक करते हैं हम क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें मैपिंग किस पे दी है, देखो 1, 2, 3, 4 से 10 पर दे रखा है। विद क्या दे रखा है, देखो 1 की इमेज भी 10, 2 की इमेज भी 10, 3 की इमेज भी 10 और 4 की इमेज भी 10। तो यहाँ पर हमारा देखो हमने बना लिया, ये तो हमारा क्या है डोमेन है और ये क्या है हमारा कोडोमेन। तो 1 की इमेज भी 10, 2 की भी 10, 3 की भी 10 और 4 की भी 10। तो इसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में तो केवल एक ही है। तो कोडोमेन हमारा, ये हमारा फंक्शन ओन टू तो होगा लेकिन 1-1 नहीं है। तो देखो क्योंकि 1 की भी 10 ही है, 2 की भी 10 है, 3 की भी और 4 की भी, तो यानी कि 4 एलिमेंट की सेम इमेज है। तो इसी वजह से ये हमारा जो फंक्शन है ये 1-1 नहीं होगा। तो हमारी जो कंडीशन है इनवर्स के लिए कि जो गिवन फंक्शन है 1-1 और ओन 2 होना चाहिए, तो इस वजह से वो इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे गिवन फंक्शन इज़ नॉट 1-1। तो ये हमारा फंक्शन 1-1 नहीं है, तो इट हैज़ नो इनवर्स, तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें दे रखा है जी 5, 6, 7, 8, ये तो इसका डोमेन हो गया। कहाँ जा रही है, 1, 2, 3, 4 पे को डोमेन ये है। तो हमें क्या दे रखा है, देखो 5 की इमेज जो है 4 दे रखी है, 6 की 3 दे रखी है, 7 पे 4 और 8 का 2 दे रखा है। देखो यहाँ पर हमारा दोबारा देखेंगे, यहाँ पर देखो 5 की यहाँ पे हमने डोमेन लिख लिया 5, 6, 7, 8 और 1, 2, 3, 4। अब 5 की कहाँ पर है, 4 पर है, 6 की हमारी 3 पर है, 7 की 4 पर है और 8 की 2 पर है। तो देखो 5 की इमेज भी 4 है हमारी और 7 की इमेज भी 4 है हमारी, यानी कि दो एलिमेंट 5 और 7 दोनों की इमेज हमारी 4 हो गई। तो फिर से ये जो है हमारा 1-1 फंक्शन नहीं बना, क्योंकि 1-1 होने के लिए क्या है कि हर डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इस वजह से ये हमारा फिर से 1-1 नहीं हो गया, नॉट 1-1 हो गया। तो इसीलिए ओन टू तो ये ना ही हमारा ओन टू भी नहीं है। देखो यहाँ पर क्योंकि वन एलिमेंट जो है हमारा छूट रहा है, तो ओन टू के लिए क्या है कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ये ना तो 1-1 है और ना ही ओन टू है, तो इस वजह से इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है। देखो इसमें 2, 3, 4, 5 से 7, 9, 11, 13 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो 2 का तो 7 के साथ इमेज, 3 की 9 के साथ, 4 की 11 के साथ और 5 की 13 के साथ। तो इसके अंदर देखो सबकी हर जो डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज है, 2 की 7 के साथ, 3 की 9 के साथ, 4 की 11 के साथ और 5 की 13 के साथ। तो हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है और कोडोमेन के अंदर देखो कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा ओन टू फंक्शन भी है। तो गिवन फंक्शन हमारा 1-1 भी है और ओन टू भी है, तो इसीलिए ये हमारा कैसा फंक्शन होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। तो इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अब हमारा 6th क्वेश्चन है। देखो शो दैट फंक्शन है -1 से 1, ये हमारा डोमेन है, अप टू कहाँ तक जा रहा है, रियल नंबर पर। गिवन हमें क्या है, f(x) = x / 2 है। अब हमें क्या शो करना है कि ये 1-1 फंक्शन है, और उसके बाद फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फिर हमें क्या है इसका इनवर्स निकालना है फंक्शन का।
तो देखो अब इसमें यहाँ पर हमें किसका इन्वर्स निकालना है। देखो ये डोमेन तो -1 से बनोगे, लेकिन जो रियल नंबर से अब कोडोमेन क्या हो गई हमारी, रेंज ऑफ एफ, यानी कि जिस -1 जहाँ जहाँ पर -1 की इमेज बन रही है, -1 की, 1 की, या फिर इसके बीच में जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज जहाँ बन रही है, तो वो हमारी रेंज हो जाएगी। देखो क्या होता है हमारा कि अगर यहाँ पे रियल नंबर में तो माइनस में भी हैं, प्लस में भी हैं, अपॉन में भी हैं, स्क्वायर रूट में भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, -1 है, 0 है, 1 है, या इनके बीच में 0.3 भी होगा, तो यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट होगा, तो जो जहाँ जहाँ पर इनकी इमेज जो मैच करेगी ना, ठीक है, एक एक से करेगी बेटा, 1 1 है तो एक की दो इमेज नहीं होंगी, तो जहाँ जहाँ पर भी इनकी इमेज मैच करेगी, तो जो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे जिनके साथ जो है डोमेन के एसोसिएट होंगे एलिमेंट, तो वो हमारी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। तो यहाँ पर तो पूरा रियल नंबर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेंज है, यानी कि जिन जिन एलिमेंट के साथ ये एसोसिएट होगी तो उनको हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ एफ कहेंगे। तो इस फंक्शन को हमें क्या पुट क्या शो करना है, इसका इन्वर्स निकालना है, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारा आर ही हो जाता तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे छूट जाते जिनकी प्री इमेज हमारी डोमेन के अंदर नहीं मिलती। देखो इस वजह से इसको हमने रेंज ऑफ एफ का है। अगर यहाँ पर रियल नंबर होता तो बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर छूट जाते जिनकी प्री इमेज नहीं होती, और अगर ऐसा होता तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होता, और अगर ऑन टू नहीं होता तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो इस वजह से इसको यहाँ पर हमने रेंज ऑफ एफ कर दिया। अब देखो हमें जो फंक्शन दे रखा है इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू हमें एक्स अपॉन में x+2 दे रखा है, तो हमने दो एलिमेंट x1 और x2 कहाँ से लिए, डोमेन में से। देखो -1 और 1 डोमेन में से ले लिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों ये डिफरेंट एलिमेंट हैं और इनकी इमेज सेम लेके चलते हैं, तो यानी कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चला। अब हम इस जो गिवन फंक्शन है इसमें एक्स की जगह x1 रख देंगे, तो x1 अपॉन में x1+2, और यहाँ पे x2 अपॉन में x2+2 ये रख दिया हमने। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, देखो x1 x2+2, और यहाँ पर कर दी x2 x1+2, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। देखो हम लोग डिफरेंट एलिमेंट लेके चले थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ गए, एलिमेंट भी इक्वल। अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस फंक्शन क्या हो गया हमारा, हैंस जो है फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। हैंस फंक्शन इज, हैंस एफ इज 1 1 1 1 हो गया। अब हमें 1 1 ही शो करना था, अब इसका इन्वर्स निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम एफ एक्स हमारा वाई के इक्वल होता है, तो हमने इसको वाई लिख लिया, वाई इज इक्वल टू x+2 लिख लिया हमने, ठीक है, x+2। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, वाई x+2 इज इक्वल टू में x कर दिया। अब इस वाई के अंदर मल्टीप्लाई डिपेंडेंसी मेन क्या होता है, हमें जब हमें इन्वर्स निकालना होता है, तो देखो अभी तो ये जो एलिमेंट है वाई जो है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो इसकी डिपेंडेंसी चेंज कर देंगे, यानी जो एक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, वाई पर करेगा। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, देखो यहाँ पे xy+2y इज इक्वल टू एक्स हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो हमने एक्स एक्स को एक तरफ कर दिया, 2y इज इक्वल टू एक्स, और ये xy इधर जाएगा, माइनस का xy हो गया, तो 2y इज इक्वल टू इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2y अपॉन में 1 माइनस में y, ठीक है। अब ये हमारा जो है -1 और 1 के बीच में है, तो इस वजह से हमारा जो रेंज ऑफ एफ हमारी इसमें एग्जिस्ट करेगी। अब देखो हमारा क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई था, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, एफ इनवर्स वाई हो चुकी है, तो यहाँ पे x की जगह मैंने f इनवर्स y लिख दिया, 2y अपॉन में 1 माइनस y। तो सिर्फ हम यहाँ पर क्या है, वेरिएबल चेंज करें और कोई चेंज नहीं है, हमें y की जगह क्या पुट कर देते हैं, x, तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में 1 माइनस x, जो कि इसका इनवर्स हो गया जो हमें निकालना था बच्चों। अब हमारा 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कंसीडर एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, और हमें गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 गिवन है। अब हमें फिर से ये शो करना है कि एफ जो है इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल का मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और उसके बाद इसका इन्वर्स निकालना है। तो हमने क्या करा, पहले डोमेन में से ले लिए, देखो दो एलिमेंट x1 x2, क्योंकि 1 1 करना है पहले हमें, तो x1 x2 कहाँ से ले लिए, डोमेन में से ले लिए।
अब एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू कर दिया, एक्स वन यहाँ पे रख दो एक्स की जगह, एक्स वन फोर एक्स वन प्लस थ्री और एक्स टू की जगह फोर एक्स टू प्लस थ्री कर दिया। अब इस थ्री से ये थ्री कैंसिल आउट हो गया तो फोर एक्स वन इज इक्वल टू फोर एक्स टू आ गया, फोर से फोर कट गया यानी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन कैसा आ गया हमारा, वन वन फंक्शन आ गया। अब हमें ऑन टू करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमने एफ एक्स को वाई के इक्वल लिखा तो वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री हो गया हमारा, तो यहाँ पे y माइनस थ्री अपॉन में फोर इज इक्वल टू में x आ गया, तो x की जगह हमने पहले जैसे बताया था f इनवर्स y निकाल लिया, f इनवर्स y लिख दिया इज इक्वल टू y माइनस थ्री अपॉन में फोर, तो ये हमारे सारा क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। y में से कोई भी एलिमेंट उठाओगे उसमें माइनस थ्री अपॉन फोर करोगे तो ये हमेशा रियल। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, y माइनस थ्री अपॉन फोर तो एक रियल नंबर है, ये तो हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन हम इसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर जैसे एफ एक्स था ना हमारा, हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं, y माइनस थ्री अपॉन में फोर पुट कर देते हैं, x की जगह y माइनस थ्री अपॉन में फोर पुट कर देंगे, कहाँ पे जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, फोर एक्स प्लस में थ्री है ना, तो x की जगह मैंने क्या कर दिया, देखो y माइनस थ्री अपॉन में फोर प्लस में थ्री कर दिया। अब ये फोर से तो फोर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बच गया, वाई माइनस थ्री प्लस थ्री, थ्री से ये थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आ गया, वाई के। तो अब हम ये जस्टिफाई हो जाता है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है ये कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल का मतलब ये वन वन और ओन टू है। अब इसका जो इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स कितना आ जाएगा हमारा, देखो इन्वर्स क्या आ जाएगा, एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एक्स माइनस थ्री अपॉन में फोर, ये हमारा इसका इन्वर्स आ जाएगा। चाहे इसको x में लिख दो चाहे इसको y में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस थ्री अपॉन में फोर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस थ्री अपॉन में फोर, ये हमारा इसका इन्वर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारा एट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, कंसीडर f इज सच दैट r पॉजिटिव, यानी जो रियल नंबर है सिर्फ वही वाले हैं, पॉजिटिव वाले हैं, इसे कहाँ तक दे रखा है, फोर से इनफाइनाइट तक दे रखा है, गिवन बाय, अब हमें क्या गिवन है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये हमें फंक्शन गिवन है। शो हमें क्या करना है कि जो f इज इन्वर्टेबल है, ठीक है, इन्वर्टेबल फिर से वही वन वन और ओन टू करना है, विद द इनवर्स एफ, इनवर्स ऑफ एफ इज गिवन बाय, देखो हमें ये गिवन है कि जो एफ इनवर्स का, एफ का जो एफ इनवर्स है हमें क्या गिवन है, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस फोर, ये हमें करना है, ठीक है, शो करना है। तो हमने सबसे पहले इसको वन वन और ओन टू करेंगे, तो वन वन ओन टू के लिए हमने डोमेन में से दो एलिमेंट ले लिए, एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू आर पॉजिटिव ले लिए, और आर पॉजिटिव क्या है, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, हमें गिवन है ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, यानी कि इसमें कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है हमारा। अब हमने क्या करा, देखो इन दोनों की इमेज सेम लेके चले, यानी एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चले, तो यहाँ पर हमने गिवन फंक्शन में x की जगह x1 रख दिया, x1 का स्क्वायर प्लस में 4, और x2 की जगह रख दिया x2 का स्क्वायर प्लस में 4, अब इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे तो हम x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 करते जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन ये हमें r पॉजिटिव हमने कहाँ से लिए हैं, पॉजिटिव ही एलिमेंट में से लिए हैं, तो इसीलिए x1 इज नॉट इक्वल टू माइनस x2 नहीं होगा हमारा, सिर्फ पॉजिटिव वाला होगा। तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2, यानी फंक्शन कैसा हो गया हमारा, वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है, वन वन फंक्शन हो गया हमारा। अब हमें ऑन टू करने के लिए हमने सबसे पहले y के इक्वल माना, तो y एफ एक्स को एफ एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4, अब ये y माइनस 4 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में y माइनस में 4, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसको जस्टिफाई करने के लिए ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, तो हम जो हमें गिवन फंक्शन होता है वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो f x कितना निकला हमें, अंडर रूट y माइनस में 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि x कितना है मेरा, y माइनस में अंडर रूट y माइनस 4 है, तो अंडर रूट y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 4 रख दिया हमने। अब ये देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 4
स्क्वायर रूट हट जाएगा, वाई माइनस फोर प्लस में फोर इज़ फोर से ये फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा वाई के इक्वल आ गया। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, वन वन और ओन टू हो गया। अब ये हमारा इन्वर्टेबल हो गया, तो फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल, और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम यहाँ पर ही रख देंगे, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ इन्वर्स y पुट कर देंगे, और ये y किसके इक्वल आ जाएगा, इन्वर्स हमारा अंडर रूट y माइनस फोर, जो हमें प्रूव करना था। अब हमारा 9